बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धनक चैनल की तरफ से खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम बनाएंगे दम पुख्त। तो दम पुख्त बनाने के लिए ये हमने मटन लिया है। मटन तकरीबन 1.5 kg है। तो इसके लिए ये मैं नमक ले रही हूँ 2 टीस्पून, और इसको इस तरह से इसके ऊपर ऊपर डालना है। और इसके साथ हमने ये 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर ले लिया, इसको भी इसके ऊपर डाल लिया। और ये लीमू, ये भी निचोड़ लेते हैं ऊपर। ये एक और आधा लीमू मैं निचोड़ रही हूँ। जी, एक और आधा लीमू भी डल गया, नमक भी डल गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे को। ये हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया, और इसके लिए मैं कोई चर्बी नहीं ले रही, बल्कि कुकिंग ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि चर्बी मुझे इतनी पसंद भी नहीं है और वैसे भी सूट नहीं करती। तो आपकी अगर मर्जी हो तो आप चर्बी भी डाल सकते हैं। ये हो गया, तो अब हम एक पतीले में इसको रखते हैं। ये एक पतीला लिया, इसमें 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया। इसको इस तरह कर लेते हैं कि सारे ये नीचे पेंदे पे हो जाए। ये बीच में थोड़ा पानी था, तो अब इसमें हमने ये इस तरह से मटन रख लेना है। अक्सर लोग बर्तन पे आटा लगा के बनाते हैं, लेकिन हम कोई आटा वगैरह नहीं लगाएंगे, वैसे ही इसमें बनाएंगे। ये मटन डाल गया। आप इसमें हमने ये अदरक के पीस हैं थोड़े से, ये रख देते हैं। ये मोटे मोटे से मैंने काट लिए, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं इसमें, वो भी साबत बिल्कुल, उनकी भी कटिंग नहीं करेंगे। लहसुन है ये, क्योंकि देसी लहसुन है इसलिए थोड़ा सा भी होगा तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये मैंने 8 से 10 चब्बे हैं जो डाल दिए मैंने। और लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च हमने रख ली। उसके साथ अब हम ये टमाटर रख देते हैं। 3 अदद टमाटर लिए मैंने, तो इनको ऐसे रख देते हैं इसमें। आलू है, आलू वैसे छिलके समेत ही डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मेथड चेंज कर रही हूँ। मैं इनको छील के डाल रही हूँ, और इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा नमक लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा नमक लिया, और इसको इन सारे आलुओं पर लगा लेते हैं। उससे ये होगा कि जो आलू हैं वो सारे साल्टी साल्टी से हो जाएंगे, तो मज़े के लगेंगे, और नमक भी इनके अंदर तक चला जाएगा। ये इसको हमने चूल्हे पर रख दिया, और फ्लेम हमने कर दिया है ऑन, और इसको ढाँप देते हैं। इसमें सिर्फ ये सुराख है जिसमें से स्टीम निकल सकती है, इसका भी कोई इलाज कर लेते हैं। और अभी पहले 5 मिनट तक हम इसकी जो हीट है वो थोड़ी तेज़ रखेंगे, उसके बाद फिर इसको स्लो कर देंगे। ये देखिए, ये जो इसका सुराख है, इसमें ये इस तरह से फॉइल पेपर लेके, तो उसको ऐसे थोड़ा सा गोल गोल करके, तो उसके साथ ये सुराख बंद कर देते हैं। तो अब इसमें से स्टीम नहीं निकलेगी। इसको सिर्फ 5 मिनट हमने थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाना है, फिर हम हल्की करते हैं आंच इसकी। ये देखिए, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देते हैं, जिस तरह हमने चावलों को दम देने के लिए किया होता है। जी, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो अभी हम इसको खोल के थोड़ा सा देख लेते हैं। आँच हम बंद कर देते हैं। ये देखें, ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी दम पुख्त की रेसिपी तैयार होगी। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी।
बहुत इजी सी रेसिपी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और अगर आप थोड़ा लाइट नहीं खाते, थोड़ा स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो जब ये तैयार हो जाए और जब आप खाने लगें, तो उस टाइम इस पे आप अपनी पसंद के मुताबिक ग्रीन चिली या ब्लैक पेपर का थोड़ा सा टच दे सकते हैं, उससे ये इसकी स्पाइस अच्छी हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।